कि इसमें भी जातवादता घुसी हुई है, इसमें भी मनवाद घुसा हुआ है। इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए एक दूसरे की मदद के साथ। और उनको बिजनेस का बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दिल्ली की सरजमी पे होना चाहिए, क्यों हमारी जागरूकता, जब तक हम समाज में अपनी बात को नहीं रख सकते तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। कम से कम राजनीति में अपनी दस्तखत बनाएं और अपनी बात को रखें, और तब तक उस बात को रखें जब तक बात नहीं मानी जाए। जिसने रिस्क नहीं लिया और जिसने कर्जा नहीं लिया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को भी उतना ही आगे बढ़ाएंगे जितना हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो सपना हम अपने बेटों के लिए लेके चलना चाहते हैं, हम अपनी बेटियों के लिए भी लेके चलें कि हम अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं और उनके लिए भी हम सपना देखें। आदरणीय मंच पर आसीन हमारे महानुभाव, सामने बैठे हुए हमारे बंधुजन, माता एवं बहनों, शंभू जी ने और राम सागर जी ने गाइडलाइन बताया कि मैंने ये बिजनेस करके इस समाज को भी जोड़ा जाता है। बिजनेस भी एक समाज को जोड़ना है। और ये अगर ये कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाया, मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम दिल्ली की सरजमी पे होना चाहिए, क्यों हमारी जागरूकता, जब तक हम समाज में अपनी बात को नहीं रख सकते तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा बिजनेस है तो वो राजनीति है। राजनीति में हमारे तमाम लोग, 85% के लोग जब राजनीति में जाएंगे तो सबसे बड़ा बिजनेस आपका, इस मंच के माध्यम से मैं बता देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा बिजनेस है तो वो राजनीति है। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो भी गरीब अमीर उनमें से राजनीति में हमेशा हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क और कर्जा लेना बिजनेस का एक गाइडलाइन है। जिसने रिस्क नहीं लिया और जिसने कर्जा नहीं लिया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए 85% की लड़ाई, आप जानते हो पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश जल रहा है अभी, और हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। हमें जब तक राजनीति में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हमारा बिजनेस कामयाब नहीं होगा। इसलिए मैं भाइयों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग जो भी है, जिस लायक है, कम से कम राजनीति में अपनी दस्तखत बनाएं और अपनी बात को रखें, और तब तक उस बात को रखें जब तक बात नहीं मानी जाए। और हमें सब लोगों को एक दूसरे से मिलकर सबकी समस्या का समाधान करते हुए, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, जब समस्या होती है तो समाधान मिल जाता है। आपसे नहीं मिलेगा तो आपसे मिल जाएगा, आपसे नहीं मिलेगा आपसे मिल जाएगा, और किसी से नहीं मिलेगा तो आपसे मिल जाएगा। मैं आपसे ये बता देता हूं कि राजनीति एक भविष्य हमारा, और राजनीति में जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तो ये बिजनेस हमारा ठप हो जाएगा। ये अध्यक्ष जी राम सागर ने बताया था कि इसमें भी जातवादता घुसी हुई है, इसमें भी मनवाद घुसा हुआ है। इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए एक दूसरे की मदद के साथ। और उनको बिजनेस का बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जीना है तो मरना सीखो और कदम कदम पर लड़ना सीखो। इसी के साथ ही मैं आपको ज्यादा समय न लेके आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर नमस्कार। नमस्कार, मैं काफी देर से यहाँ बैठी हुई हूँ और सबकी बातें मैंने सुनी, पर मैं कुछ सुनने का सोची थी, शायद ये बोलेंगे, लेकिन किसी ने नहीं बोला। आधी आबादी हमारी है और बिजनेस में महिलाओं का योगदान आपको भी पता है कितना है। और ये चीज़ शुरू होती है हमारे घरों से। हम अपने बच्चों को, ये बिजनेस करेगा मेरा बेटा आगे बढ़ेगा,
लेकिन हम अपनी बच्चियों को ना तो पढ़ाना चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो बीए करा दिया था, मैंने तो एमए करा दिया था। खाली बीए और एमए कराने से क्या हुआ, वो आपके घर भी रोटी बना रही थी, वो वहाँ भी रोटी बनाएगी। आपने उसके लिए ऐसा कुछ सोचा कि वो नौकरी करके मैं उसकी शादी कर दूँ, या कोई एक छोटा मोटा बिजनेस, या कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी नहीं, अगर हम बिजनेस में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको इस लाइक बनाए कि कल को उसके ऊपर, ठीक है ना भी करे, लेकिन कल को उसके ऊपर कोई परेशानी या परेशानी सबके बीच में सबके घरों में आती है। एक जन घर का जो नौकरी करने वाला या बिजनेस करने वाला होता है वो अकेला अगर कुछ हो जाए तो उसके बाद क्या। तो हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, मैं ये चाहती हूँ कि हम सब ये प्रण लें, कोशिश करें कि हम अपनी बच्चियों को भी उतना ही आगे बढ़ाएंगे जितना हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो सपना हम अपने बेटों के लिए लेके चलना चाहते हैं हम अपनी बेटियों के लिए भी लेके चलें। मैं सुनीता, मेरा नाम सुनीता चौहान है और मैं दिल्ली में लेक्चरर रिटायर हुई हूँ, मतलब VRS मैंने लिया था और 23 साल मैंने पढ़ाया और 23 साल के अंदर सब तरह के बच्चे मेरे पास आए पढ़ने के लिए। 11 12th में पढ़ाती थी तो वो टाइम वो होता है जब बच्चा अपने करियर के लिए सोचता है। अब बच्चे को मैंने पढ़ा तो दिया, कुछ बच्चे वीकर सेक्शन के भी थे और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे ज़्यादातर जिन घरों से आते हैं वो हमें भी पता है, और उन बच्चों से रिजल्ट लेना या उन बच्चों का पढ़ना वो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी बच्चे ने डिस्टिंक्शन ले लिया, 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन ले लिया तो वो, और जबकि उसकी माँ घरों में बर्तन मांझ रही है, लेकिन मैं उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा आगे पढ़ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। लेकिन सीवान के शायद मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र से थी वो लड़की, और मैं घर गई उसके घर जाके मैंने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, हाँ ठीक है मैडम पढ़ा देंगे आप हेल्प करेंगे। मैं कहाँ करूँगी, मैं पता चला 2 महीने बाद उसकी शादी कर दी। क्यों कर दी शादी, अरे जो करेगी वो अपने घर में जाके करेगी। अब वो जो अपना घर है, आपने तो कह दिया अपना घर, वो अपने घर वाले ने वापस भेज दिया, तूने अपने घर में क्या किया। तो पहले तो हमें पता ही नहीं है कि उसका अपना घर कौन सा है। तो हमें अपनी बच्चियों को उस मकाम तक लाना पड़ेगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा समय मैं ले लूँगी अगर मैं इस टॉपिक पे चलूँगी, तो बस मैं यही कहूँगी कि हम अपनी बच्चियों को भी आगे बढ़ाएं और उनके लिए भी हम सपना देखें। सबकी के माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप मतलब अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उनको एक बिजनेस वूमेन बनाएं। धन्यवाद।